मेरा नाम रंजना कुमारी है। हम गोड़ी से आए बैंक के लिए। प्रशासन वाली व्यवस्था की हुई है क्योंकि यहाँ पर क्योंकि बीमारी कोरोना फैला हुआ है और प्रशासन वाली बैठने के लिए व्यवस्था की हुई है। ये जो कोरोना बीमारी फैली हुई है इससे हमें सोशल डिस्टेंस रखने के लिए भी दूरी बनाए रखना चाहिए। मैं उठी पंचायत से गांव से आई हुई हूँ और PNB बैंक जाना है मुझे, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ हमारे बैठने की व्यवस्था की गई है और ये बीमारियाँ फैली हुई हैं, इसीलिए हमारी दूरियाँ जो बना के रखनी चाहिए। मेरा नाम ब्रजलाल है जी, मैं मेडिकल से आया जी। मैं बैंक चले और बैंक को दस बंदे भेजे कर दिन हमारे को टेंट लगाए हुए सुबह में बैठने को अच्छी चीज़ है। अच्छा असी बैंक जाते और बैंक ज़्यादा रस पे जाता है और थोड़ा दूरी बनाने का तो ठीक है, इस बीमारी से वजह से थोड़ा दूर रहना ठीक है, बनाना ठीक है, ता ही असी इस बीमारी से बच सकते। मेरा नाम तिलकराज है, मैं जवान से आया हूँ गाँव परनट्टी डाकखाना बाट और मैं यहाँ चंबा में आया दवाई लेने के लिए। तो वहाँ बैंक में जाना था मैंने, तो बैंक में भीड़ होने के कारण हमारे को यहाँ टेंट में बैठाया गया है और कहा गया है कि भाई दूरी बनाए रखना है 1 मीटर की 1.5 मीटर की जो भी है, अगर हम दूरी बनाए रखेंगे तो ही इस बीमारी का जो है हल होगा और कंट्रोल में आएगी। अगर हम ही एक दूसरे से मिलते या कुछ ऐसी करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए प्रशासन ने ये टेंट लगाया और हमें टेंट में बैठने के लिए कह गया है और हम बैंक में जाएंगे फिर अपना जो है निकालेंगे कैश कुछ वगैरह, फिर उसके बाद दवाइयाँ लेनी है फिर घर जाना है। कि रेगुलेट हो गया है, धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि जो वन वे मूवमेंट है वो किस तरह से करनी है। हमें मंडे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि एकदम से सारी दुकानें खुली थी, अब धीरे धीरे लोग जो हैं इसके यूज टू हो रहे हैं और हमने कुछ एक चीज़ें स्टार्ट करी हैं, जैसे कुछ एक जो लोग बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस में आ रहे हैं उनको हम सबसे पहले चौगान में थोड़ी देर के लिए बैठा रहे हैं और हमारे लोग दोनों तरफ वॉकी टॉकी सेट के साथ एक चौगान में और एक बैंक में या पोस्ट ऑफिस में लगाए। जब वहाँ से मैसेज आता है कि यहाँ पर सब लोगों का काम हो गया, उसके बाद हम 10-10 के या 5-5 के ग्रुप में उनको भेज रहे हैं ताकि बैंक्स में भी ATMs में और पोस्ट ऑफिस में भीड़ इकट्ठी ना हो। सर एक व्यवस्था और कर रहे हैं अपने आज के वो 65 साल की आयु वाले, जी जी जो 65 साल से ऊपर शॉपकीपर्स हैं, हम उनको ये गाइड कर रहे हैं कि वो स्वयं शॉप में ना बैठें, उनका कोई परिवार का सदस्य, उनका बेटा या और कोई परिवार का सदस्य प्लस उनके वर्कर्स जो हैं जो ठीक जिनका हेल्थ ठीक है वो अपने आप वहाँ पर प्रेजेंट रहें ताकि वो लोग क्योंकि वो वल्नरेबल ग्रुप में है उनकी सेफ्टी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। सर एक जो अपने साथ लगते एरियाज है हेडक्वार्टर के साथ वहाँ देखा गया है कई जगह के लोगों के झुंड इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों तो क्या वहाँ कोई गश्त की ऐसी व्यवस्था की? देखिए वहाँ पे हमारे लोग डिप्लॉयड हैं और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली जो करियाँ वाला एरिया है, सुल्तानपुर है, सरोल है, मुगला है, तो हम वहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं उनको भी गाइड कर रहे हैं, हमारे लोगों की ड्यूटीज़ वहाँ पे लगी है। लेकिन क्योंकि वो सड़क के बीच में है एरियाज तो वहाँ पे मूवमेंट भी होती है, नॉर्मल गाड़ियों की मूवमेंट भी हो रही है और जो शॉपकीपर्स हैं उनके भी और आम लोगों की भी धीरे धीरे मूवमेंट हो रही है, तो इसलिए कंजेस्टेड मार्केट होने की वजह से वहाँ थोड़ा लग रहा है, लेकिन हम कर रहे हैं वहाँ पे भी। ऐसा मैसेज मिलता है हमें बताइए आप, तो हम इमीडिएटली कार्रवाई करेंगे, उसके केस केस देंगे, उसकी दुकान को सील करवाएंगे, लेकिन जो हमारे नोटिस में आ रही है उसको तो हम करवा ही रहे हैं। लेकिन कई बार हमारी पेट्रोलिंग पार्टी 24 आवर्स हर जगह पे हमारे पुलिस प्रेजेंट नहीं हो सकती है, लेकिन जो नोटिस में आती है जो अगर आप कभी हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दें हम उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। सर तो उसका हमने समाधान निकाला था कि एक साइड का रास्ता हमने ओपन कर दिया था, दूसरी साइड का बंद कर दिया ताकि लोगों को इन शॉप्स में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, दैट हैज़ बीन सॉल्व। सर मॉर्निंग वॉक में कुछ लोग विदाउट मास्क यहाँ पे घूम रहे हैं, मतलब झुंडों के झुंड में, तो इसलिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे शीतलापुर और माइक के बाहर होने से वहाँ पर घूम रहे हैं? कोई बात नहीं उनका, अगर कल से हम वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ा देते हैं और जो लोग पाए गए उनका हम कराम करेंगे।